Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। सुल्तानपुर में लखनऊ बलिया नेशनल हाईवे पर शनिवार रात करीब 2 बजे बड़ा हादसा हो गया। आजमगढ़ से लखनऊ जा रही जनव्रत बस गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बांस गांव के पास एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 11 यात्री घायल हैं, इनमें से 4 की हालत गंभीर है। प्रयागराज की एक मुख्य सड़क का नामकरण किया जाए। प्रयागराज नगर निगम सदन की बैठक में तमिलनाडु में हवाई हादसे में शहीद हुए प्रथम CDS बिपिन रावत व अन्य शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर प्रार्थना की गई। इसके बाद कांग्रेस के नेता सदन मुकुंद तिवारी ने लिखित प्रस्ताव दिया कि देश के तीनों सेना के प्रमुख रहे जनरल बिपिन रावत के नाम पर। प्रयागराज में 10 दिन बाद कोरोना का एक नया केस सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसमें ओमिक्रॉन का खतरा नहीं है। लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र स्थित तालकटोरा करबला के पास शनिवार रात बाइक सवार बदमाशों ने मुतवली सैद फैजी के ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग में उनके सहयोगी सोनू के हाथ में गोली लग गई और वह बाल बाल बच गए। फायरिंग के इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सोनू को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। सैद फैजी गदर व 2 दोस्तों के साथ एक प्रिंटिंग प्रेस गए थे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बसपा सांसद मल्लुक नागर के 53.5 करोड़ रुपए के कर्ज में होने पर बैंक ने बड़ी कार्यवाही की है। भारतीय स्टेट बैंक ने हापुड़ जिले में स्थित दूध डेयरी और करीब 15 प्लॉट अपने अधीन कर लिया है। अब इनकी नीलामी करके कर्ज वसूला जाएगा। बैंक ने यह कार्यवाही 9 दिसंबर को की है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे टुडे 24 न्यूज़।